रामगढ़ताल में चलने वाले क्रूज शिप व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जीडीए ने डिजाइन फाइनल किया, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि रामगढ़ताल में लग्जरी डिनर क्रूज शिप को चलाया जाए, जिसका ऑनलाइन विज्ञापन जारी हुआ था, जिसका कॉन्ट्रैक्टर भी फाइनल हो गया है और डिजाइन भी फाइनल हो गया है कि कौन से मॉडल का क्रूज शिप चलेगा, जिसका ऑर्डर दे दिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जिसमें 4 महीनों का समय लगेगा जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। उन्होंने बताया कि दूसरा प्रोजेक्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का है जो कि रामगढ़ताल में ही रहेगा, उसका भी डिजाइन फाइनल हो गया है, जिस पर कार्य भी शुरू हो गया है, वह भी 3 महीनों में रामगढ़ताल में आ जाएगा, जिससे रामगढ़ताल में पर्यटकों की भीड़ होगी। क्रूज पूरा एयर कंडीशन रहेगा, एक रेस्टोरेंट रहेगा और पार्टी करने के लिए भी जगह रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि यहाँ पे लग्जरी डिनर क्रूज चलाने के लिए, तो उसका हम लोगों ने ऑनलाइन ऑक्शन किया था, ऑनलाइन ऑक्शन होके कॉन्ट्रैक्टर भी फाइनल हो गया था और उन्होंने डिज़ाइन भी अपना दे दिया है। तो अब क्रूज़ का शेप और कौन सा मॉडल है वो पूरा डिज़ाइन हमारे पास फाइनल हो गया है और उसको ऑर्डर दे दिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो उसमें 3 से 4 महीने का समय लग सकता है आने में। यहीं पे आके पूरा असेंबली होगा और लोग उसको निश्चित तौर पर उसको पसंद करेंगे। जो दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का था। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि रामगढ़ताल में ही रेस्टोरेंट रहेगा और वो एक जगह फ्लोट करेगा। वो बहुत अच्छा सुंदर उसका डिज़ाइन बनाया गया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है और वो भी 2 से 3 महीने में आ जाएगा। तो रामगढ़ताल में पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को निर्देशित करते हैं, उस क्रम में ये बहुत अच्छा हम लोग का एक अचीवमेंट होगा। किस चीज़ की देखिए, जो क्रूज़ आ रहा है, क्रूज़ की खास बात ये रहेगी कि उसमें पूरा 100% एयर कंडीशन रहेगा, उसमें एक रेस्टोरेंट रहेगा, उसमें रूफ टॉप पे भी ओपन रेस्टोरेंट रहेगा। दूसरा, अगर किसी को बर्थडे पार्टी करनी है, इंगेजमेंट सेरेमनी करनी है, छोटी मोटी पार्टी करनी है, मीटिंग करनी है, शादी वादी करनी है, वो भी उस पर हो सकती है। तो हर प्रकार की उस पर सुविधा रहेगी, तो निश्चित तौर पर लोगों को पसंद आएगा।